नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज और इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं यूपी के बदायूं से। योगी सरकार ने ली गरीबों की सूद, आसियाना पाकर खिल उठे गरीबों के चेहरे। यूपी के बदायूं में तहसील प्रशासन ने गरीबों को उनके आसियाने देकर उन्हें पक्की छत मुहैया कराई, जिससे गरीबों के चेहरे खिल उठे। बदायूं जिले की तहसील सहसवान के सभागार में उप जिलाधिकारी महिपाल सिंह और तहसीलदार शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील क्षेत्र के 8 गांवों के ग्रामीणों को घरौनी वितरित की गई। घरौनी वितरण से पहले ग्रामीणों को घरौनी से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही प्रमाण पत्र देकर उन्हें मालिकाना हक भी दिया गया। बताते चले कि यह केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, साथ ही इस प्रमाण पत्र के द्वारा ग्रामीण बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। वहीं ग्रामीणों के कई तरह के विवादों पर भी विराम लगेगा। अभी तक ग्रामवासियों को अपने अपने घरों के मालिकाना हक को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसका समाधान भाजपा सरकार ने घरौनी के रूप में ग्रामवासियों को दिया है। तहसीलदार शिव कुमार, बूथ अध्यक्ष अबीर सक्सेना ने ग्रामीणों को घरौनी अभिलेख प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन लेखपाल नदीम अहमद ने किया। देखें एसडीएम महिपाल सिंह ने क्या कुछ कहा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख आज आप यहाँ पे आयोजन हुआ है, इसमें कितने लोगों को और कितने गांव के लोगों को, कितने ग्रामों को वितरण किया गया है? आज हमारे यहाँ 8 गांवों के जितने भी घरौनी तैयार थे, सारे वितरण जो है कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों को लेखपालों के माध्यम से गाँव में करा दिया गया है। अच्छा, इसका क्या महत्व है? मतलब से ग्रामीण क्षेत्र में जो की आबादी के जो भूमि है, ये जो परिसंपत्ति है, उसके मालिकाना हक का ये एक प्रमाण पत्र जो है भारत सरकार और मिलकर ये चलाई है और इसके माध्यम से दिया जा रहा है। अच्छा, ये लाइव टेलीकास्ट आज दिखा रहे हैं, इससे क्या मतलब? आज जो है इसका प्रमाण पत्र देने का आज पहला दिन था, आज से ये शुभारम्भ हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये स्टार्ट हुआ है और जहाँ भी घरौनी के कार्य चल रहे हैं वहाँ पूरे प्रदेश में ये कार्य हुआ है।